वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमर प्रश्न, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए नारुतो, ड्रैगन बॉल जेड, पोकेमॉन, वन पीस और भी कई सारे एनिमे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 बेस्ट एनिमे गेम्स लेकर हाजिर हूं, जो कि आप लोगों को अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को अलग अलग कैटेगरीज के एनिमे गेम्स बताऊंगा। सारे गेम्स काफी अच्छे होने वाले हैं, इनमें से ज्यादातर गेम्स की ग्राफिक्स काफी सही होगी और आप लोगों को मैं सभी गेम्स काफी तगड़े बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें और अगर आप लोग एनिमे लवर हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीधे आप लोगों को टॉप 10 सीरीज आगे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। 210 नंबर पे हमारा आता है लाइडोज मोबाइल गेम का साइजन वाला है 2GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम होने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कि प्रश्न भाई, इस गेम को आप लोग अपने इस लिस्ट में क्यों रखा, तो जरा रुको। इस गेम में आप लोगों को एनिमे पूरा वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाता है, जिसके टेक्सचर्स वगैरह है वो काफी ज्यादा एनिमे से मेल खाता है, इसलिए मैंने इस गेम को अपने में रख दिया। गेम कंप्लीटली ओपन वर्ल्ड होने वाला है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन करो, मिशन काफी सारे इसमें होंगे तो आप लोगों को मिशन को कंप्लीट करना है। और अगर आप लोग एक पैलेवल जैसा एनिमे गेम खोजे तो ये गेम आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि ये गेम पैलवर्ल्ड से इंस्पायर है, जहां पे ग्राफिक्स काफी सही है, काफी बड़ा मैप आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, कई सारे पेट्स मिलेंगे, इन्हें आप लोग टेम भी कर सकती हो और भाई कई सारे क्रिएचर्स से भी आप लोगों का सामना होगा जिन्हें आप लोगों को यहां पे मारना पड़ेगा। लिटरली इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो काफी सही है, तो आप लोगों को ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी 9th नंबर काउंटडाउन की तरफ। 209 नंबर पे हमारा आता है हीरोज कॉम्बैट गेम का साइजन वाला है 900 MB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इस गेम में आप लोगों को सिर्फ एक एनिमे नहीं, इस गेम में आप लोगों को तरह तरह के एनिमे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ नारुतो से ही नहीं, इस गेम में आप लोगों को जेजेके, डीमन स्लेयर और भी कई सारे एनिमे से इसका जो कैरेक्टर्स है वो उठाया गया। लिटरली ये गेम भी काफी ज्यादा सही है। लुक एट द एनिमेशन ब्रो, उसका एनिमेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे आप लोगों को काफी कमाल का बैटल एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली काफी मस्त लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है, तो एक ऐसा एनिमे गेम जिसमें एनिमे के कई सारे कैरेक्टर्स हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमे से, तो भाई आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी 8 नंबर काउंटडाउन की तरफ। 208 नंबर पे हमारा आता है डीमन स्लेयर फ्यूरी गेम का साइजन वाला है 1GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये गेम डीमन स्लेयर के ऊपर बेस्ड होने वाला है, यानी गेम के ऊपर, सॉरी, डीमन स्लेयर एनिमे के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहां पे आप लोगों को डीमन स्लेयर के सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाता है। लिटरली ये गेम भी काफी ज्यादा कूल होने वाला है, क्योंकि इसकी मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं। गेम मल्टीप्लेयर है, यहां पे आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग यहां पे फोन कर सकते हो, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहां पे आप लोगों को बैटल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे आप लोगों को जितने भी हाशिराज मिलेंगे, डीमन स्लेयर्स मिलेंगे, जितने भी यहां पे डीमन मिलेंगे, सभी को आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन करना रहता है, यानी उनका लेवल अप करना रहता है, लाइक पोकेमॉन गेम्स। तो भाई गेम काफी ज्यादा कूल होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को इन्फिनिट कैसल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में आप लोगों को यहाँ पे बैटल करने का मौका मिल जाता है। तो गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एनिमेशन काफी सही है और भाई ये ऑफिशियल डीमन स्लेयर का गेम होने वाला है, तो डेफिनेटली ये गेम आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 7 नंबर काउंटडाउन की तरफ। 207 नंबर पे हमारा आता है सनशाइन आइसलैंड गेम का साइजन वाला है 700 MB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हाल ही में इस गेम का एक वीडियो दिया था, तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक पोकेमॉन का गेम होने वाला है जिसकी ग्राफिक्स काफी ज्यादा कूल है। और भाई इस गेम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गेम में 9 जनरेशन तक के पोकेमॉन्स है, कैचिंग सिस्टम है, तरह तरह के इवेंट्स है, साथ ही साथ यहाँ पे टॉप अप भी आप लोग कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को चैटिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे चैटिंग करते हुए उनके साथ बैटल भी कर सकते हो, जो कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और इसकी जो ग्राफिक्स है वो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी बाकी पोकेमॉन गेम्स में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एडवेंचर देखने के लिए मिल जाते हैं, ट्रिक्स काफी अच्छे हैं गेम के, और यहाँ पे आप लोग साइकिलिंग करके भी पूरा जो पैलेट टाउन है उसमें आप लोग यहाँ पे पूरा घूम सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी 6 नंबर काउंटडाउन की तरफ। 206 नंबर पे हमारा आता है नारुतो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म मोबाइल गेम का साइजन वाला है 3.5 GB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये एक नारुतो का गेम होने वाला है, मतलब ये गेम नारुतो के ऊपर बेस्ड होने वाला है, काफी बढ़िया गेम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक काफी बड़ा मिशन देखने के लिए मिल जाता है नारुतो का। साथ ही साथ भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस गेम में आप लोगों को टोटल 2 मोड देखने के लिए मिल जाएंगे, या तो आप लोग यहाँ पे ड्यूअल करो या तो आप लोग यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से करो। इसका स्टोरी उतना ज्यादा मुझे सही नहीं लगा, लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ पे 1v1 जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। गेम जो एनिमेशन है वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, कंट्रोल काफी सही है, जो कि भाई दूसरे नारुतो गेम्स में उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इस गेम का जो बटन्स वगैरह है वो काफी ज्यादा सही है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो मैं आप लोग से हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को काफी, मतलब आप लोग इस गेम को ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये गेम चाइल्डहुड जो नारुतो है उस सीजन के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी 5th नंबर काउंटडाउन की तरफ।
205 नंबर पे हमारा आता है ड्रैगन बॉल प्रोजेक्ट मल्टी, गेम का साइज होने वाला है 1.6 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये एक ड्रैगन बॉल जी का गेम होने वाला है, तो आप जाहिर सा बात है ये गेम ड्रैगन बॉल जी एनिमे के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग गोकू के फैन हो तो ये गेम आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफी बड़ा मैप देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को एक एरिना में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे जो पोकेमॉन यूनाइट जैसी आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे अलग अलग जो वॉरियर्स उनको आप लोगों को यहाँ पे हराना होगा, डिफीट करना होगा, अपने एक स्क्वाड लेके आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा। लिटरली गेम काफी ज्यादा कूल होने वाला है, क्योंकि मुझे इसके ग्राफिक्स, इसके एक्शन, जो इसके एनिमेशन है, जो इसका पावर बम वगैरह है, वो काफी ज्यादा सही है। तो आप लोगों को ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इन गेम आप लोग यहाँ पे सुपर सैयन में भी बदल सकते हो, जो कि खेलने में गेम को और भी ज्यादा खास बना देते हो। तो अगर आप लोग ड्रैगन बॉल जी का फैन है तो ये गेम आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना। दो वेट, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 4th नंबर का ऑन की तरफ। 204th नंबर पे हमारा आता है टावर ऑफ फैंटेसी, गेम का साइज होने वाला है 7 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब लो दोस्तों ये ओपन वर्ल्ड MMORPG गेम है, अगर आप लोग MMORPG के फैन हो तो ये गेम आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बड़ा एनिमे वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ये गेम बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन करो, मिशंस करो, तरह तरह के आप लोगों को यहाँ पे खतरों से सामना होगा, उन खतरों को यहाँ पे पार करो। और लिटरली ये गेम का जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा सही है, कर्टन्स काफी गेम के कूल है, और मुझे इस गेम का एनिमेशन काफी ज्यादा पसंद, क्योंकि भाई ये टावर ऑफ फैंटेसी भाई गेंशिन इंपैक्ट को टक्कर देता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये गेम कितना ज्यादा कूल है। अगर आप लोगों को गेंशिन इंपैक्ट से अगर आप लोग बोर हो चुके हो तो ये गेम आप लोग एक बार भाई डेफिनेटली ट्राई करना। आप लोग एक बार इस गेम को ट्राई करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये गेम आप लोगों को ज्यादा से भी बोर नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 3rd नंबर काउंट ऑन की तरफ। 203rd नंबर पे हमारा आता है सोलो लेवलिंग एरा, इस गेम का साइज होने वाला है 2 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये भी एनिमे गेम होने वाला है, जहाँ पे RPG कॉन्सेप्ट के ऊपर गेम बेस्ड होगा। लिटरली ये गेम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो बैटल एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा कूल होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को भरपूर एक्शन देखने के लिए मिल जाता है, तरह तरह के डेंजरस क्रिएचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें आप लोगों को इन गेम यहाँ पे आप लोगों को बैटल करके उन्हें हराना रहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिएचर जो है वो मारने के लिए यहाँ पे खोजते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को उन्हें मार के इस गेम को आप लोगों को पार करना, और इस गेम का जो मिशन है वो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। तो मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना, अगर आप लोग एक ओपन वर्ल्ड RPG टाइप के गेम्स को अगर आप लोग प्रेफर करते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 2nd नंबर का ऑन की तरफ। 202nd नंबर पे हमारा आता है E4C फाइनल सेल्वरेशन, गेम का साइज होने वाला है 1.7 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक 5v5 का मोबाइल गेम होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को एक एरिना में छोड़ दिया जाएगा, और उस एरिना में आप लोगों को अलग जो ऑनलाइन प्लेयर्स है उनके साथ आप लोगों का यहाँ पे बैटल होने वाला है। और भाई ये भी एक एनिमे गेम है, आप लोग सोच रहे हो कि इस गेम को मैंने प्ले लिस्ट में क्यों रखा, तो यहाँ पे आप लोगों को एनिमे कैरेक्टर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि आप लोगों को गोकू वेजिटा या फिर नारुतो जैसे कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, वो सब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को फिक्सल जो यहाँ पे एनिमे कैरेक्टर्स है वो सब देखने के लिए मिलेंगे। और भाई इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो 3D होने वाला है, तो आप लोग डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग एक मोबाइल बैटल गेम के अगर आप लोग फैन हो ना तो ये गेम आप लोग जरूर ट्राई करना, काफी ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 1 कौन है उनकी तरफ। 200 नंबर 1 पे भी हमारा आता है एक MMORPG गेम, जिसका नाम होने वाला है द लेजेंड ऑफ नेवरलैंड, गेम का साइज होने वाला है 5 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये भी एक ओपन वर्ल्ड MMORPG गेम होने वाला है, और इसकी भी ग्राफिक्स काफी ज्यादा कूल है। और भाई इस गेम का साइज मैंने 5 GB बोला, लेकिन जब आप लोग इस गेम को डाउनलोड करोगे तो अंदर से रिसोर्स वगैरह सब कुछ हो गए, इस गेम का साइज कम से कम 8 से 9 GB के आसपास पड़ जाता है। लिटरली ये गेम काफी ज्यादा कूल है, आप लोग इसी बात से सोच सकते हो कि ये गेम PC के लिए भी हमारे अवेलेबल है। तो भाई PC के लिए जो गेम अवेलेबल रहता है वो गेम काफी ज्यादा कूल होता है, भी ग्राफिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कूल है, इसके जो साउंड क्वालिटी है ना भाई वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। तो आप लोगों को इन गेम भाई काफी ज्यादा आप लोगों को रिलैक्स फील होगा, क्योंकि भाई इस गेम का जो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, और भाई ग्राफिक्स के साथ साथ यहाँ पे जो मिशन है वो भी काफी अच्छे हैं, और साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को एक विलेज में रहते हो, उस विलेज में आप लोगों को कई सारे मिशन मिलते हैं, उन मिशन को आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हर MMORPG गेम्स में होता है आप लोगों को पता ही होगा, सेम वैसे कॉन्सेप्ट गेम का रखा गया है। अदरवाइज इस गेम में भी कुछ ऐसा न्यू नहीं है जो कि भाई अलग MMORPG गेम्स में होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसकी भी जो ग्राफिक्स है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना। दो वीडियो चली दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 बेस्ट एनिमे गेम्स की लिस्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो बड़े से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दो वीडियो चली दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज यार मेरा न्यू ईयर तक 50K यार कम से कम करवा दो। तो वीडियो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।